गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड फाइनली आज की ये वीडियो आ चुकी है फाइनली काफी वेट करने के बाद एंड काफी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद में। जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि GTA 5 का बेहतरीन मॉड पैक आप मिलने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, तो लगभग यहाँ पे काफी मेहनत करने के बाद में ये मॉड पैक फाइनली बन चुका है। बहुत अच्छे से सारे स्काई बॉक्स, शेडोज, रिफ्लेक्शंस सब कुछ मैंने इसके अंदर एड कर दिया है। कैरेक्टर आप इसमें चेंज कर सकते हो, जो करना चाहो वो आप कर सकती हो। एंड फाइनली अब ये मॉड पैक जो है रेडी हो चुका है फॉर ऑल डिवाइसेस विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड ऑल्सो कुछ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, पूरी वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी ही होगी अगर आप चाहते हो इस मॉड को इंस्टॉल करना। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, कोई बंदा वीडियो नहीं देखता है। मेरे को काफी कमेंट आते हैं कि भाई मॉड इंस्टॉल नहीं हो रहा, इंस्टॉल होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, रीनेम करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे भाइयों वीडियो को पूरा देखो, एक बार मत देखो, कम से कम दो बार तो देखो, पूरा देखो, पूरा देखो। जो बातें मैंने कही है वो सब आपको समझ में आएगी, वो आपको अच्छे से सुनाई देगी। और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतनी बार देखो, आपके लिए फायदा होगा, आपका मोड अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, आप बाद में मोड को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने गेम के अंदर ये मोड इंस्टॉल करना, इस वीडियो को अभी से आपको ये पूरी देखनी है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बताई है, और एक बात, काफ़ी चीज़ें आपको भी करनी होगी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको भी करनी होगी। मैंने पहले एक मोड अपलोड किया था GTA San Andreas डायरेक्ट एक्स 3.0, जिसमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, लगभग 500 व्यूज आए एंड काफ़ी लोगों ने उस जो है डाउनलोड किया है। एंड ऑल्सो काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी आई थी, काफ़ी लोगों से रीनेम भी नहीं हो रहा था। मैंने उसके अंदर रीनेम करके दिखाया था कि आपको अपना GPU जो है रीनेम करना है, तो वो है जो है कुछ लोगों का रीनेम भी नहीं हो रहा था, कुछ लोगों को अच्छे से रीनेम भी करना नहीं आ रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों वीडियो को पूरा देखो। अभी जो इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ ना, ये आपको पूरा देखना है, ये इंस्टॉलेशन जो आपको रहेगा ना वो पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि वो ही डिपेंड करेगा कि आपका गेम किस तरीके से चलने वाला है, क्रैश तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो मोड पैक है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा हाई एंड मोड पैक होने वाला है ये। आप यहाँ पे गेम प्ले से अच्छे से समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा हाई एंड मोड पैक ये होने वाला है, ठीक है। एंड एक और बात, एक बंदे को कल एक प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, तो उसने जो है मुझसे डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, ठीक है, वहाँ पे उसको जो है मैंने सब चीज़ें बता दी, वहाँ पे उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भी सेंड किए कि भाई नेम है वो अच्छे से रीनेम नहीं हो रहा, उसने जो है प्रॉब्लम ये हो गई थी, उसने गलती ये कर दी थी कि वो बार बार जो है अपनी फाइल में स्पेस दे रहा था और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और अच्छे से जो है फाइल को रीनेम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका जो मॉड है वो क्रैश हो रहा था और मॉड नहीं चल रहा था, ठीक है। और दूसरे रिक्वायरमेंट ये है, बेसिकली रिक्वायरमेंट मान लो इसको, दूसरे रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में GTA San Andreas का 2.0 वाला ओरिजिनल वर्जन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लाइट वर्जन है तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लाइट वर्जन के अंदर आपको डायरेक्ट पेस्ट करना रहेगा ये, तो हो सकता है मे बी आपकी जो कुछ फाइल्स होंगी वो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकती है। तो GTA San Andreas अगर लाइट वर्जन है तो भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसको उसके ऊपर ट्राई मत करना, अगर आपको ये मोड प्ले करना है, अगर आप चाहते हो अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर मोड को अच्छे से रन करना, तो आपके पास होना चाहिए GTA San Andreas का 2.0 वाला वर्जन। और उसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप साइड में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, मेरी वेबसाइट में आप चले जाओगे वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप वो गेम, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि आपको ये वीडियो रिपीट करनी है, जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको ये वीडियो बार बार देखती रहनी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, यहां पे आप अब तक का गेम प्ले देख के समझ गए होंगे कि यहां पे GTA 5 में क्या क्या चीजें होने वाली है। सभी चीजें आपको GTA 5 में मिलने वाली है, सबकी सब चीजें, यानी कि जो GTA 5 में नॉर्मली चीजें होती है वो सबकी सब चीजें मैंने यहां पे ऐड करी है। गन सेलेक्टर मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा GTA 5 का, GTA 5 का चोप देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल्सो GTA 5 का मैप देखने मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट बटन देखने मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन ओपी वाला देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे जो व्यू मिलेगा शूटिंग का वो भी GTA 5 का देखने मिलेगा। साथ में आपको जो मनी का जो व्यू होता है वो भी आपको देखने यहाँ पे मिल जाएगा GTA 5 का। साथ में मैंने यहाँ पे बटन सेट किए हैं ट्रांसपेरेंट बटन, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है अपने गेम के अंदर। एज यू कैन सी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी देख लिया होगा आई होप। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको क्लियर मेन्यू मिलेगा, ऑल्सो आपको जो है यहाँ पे GTA 5 का
जो मेन्यू होता है मेन्यू, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत ही कम मोड पैक में होती है, तो मैंने सोचा कि अगर ये GTA 5 मोड पैक है तो इसको पूरा GTA 5 बैच बनाना चाहिए, पूरा का पूरा GTA 5 बैच, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मोड पैक के अंदर गाइस, यकीन करो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, सबसे बेस्ट मोड पैक अब तक ये होने वाला है GTA 5 का, ठीक है। एंड अब यार देखो बातें बहुत हो चुकी है, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको प्रीव्यू पे लेके चलता हूँ, प्रीव्यू आप छोटा सा प्रीव्यू होगा वो देख लो, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे, प्रीव्यू आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से जो है ग्राफिक्स है वो आपको दिखने वाला है और स्काई बॉक्स जो आपको दिखने वाला है। तो छोटा सा एक मैंने प्रीव्यू क्रिएट किया आप लोगों के लिए, तो प्रीव्यू देख लो, उसके बाद में अपन इंस्टॉलेशन की ओर चलेंगे। सो लेट्स गो टू द प्रीव्यू। With a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. I'm not afraid to
तो गाइज आई होप कि आपको ये प्रीव्यू देख के थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जो गेम है वो किस तरीके का होने वाला है, आपका मोड किस तरीके का होने वाला है। आई होप कि आपको जो प्रीव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि अब किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे अपना जो मोड है वो यूज़ करना है, किस तरीके से आपको प्ले करना है, ठीक है, प्रीव्यू देख के। सो उससे पहले मैं बता दूँ कि अब टाइम तो बहुत हो चुका है, 9 मिनट तक की वीडियो अब तक बन चुकी है। अब आने वाला है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट और वो होने वाला है इंस्टॉलेशन, ठीक है। आपको इंस्टॉलेशन जो है पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो भी मैंने बातें बताई है सब की सब बातें आपको यहाँ पे जो है फॉलो करनी है, भूलना नहीं है, सभी चीजें को यहाँ पे फॉलो करना है अच्छे से, तब जाके आपका जो है मॉड इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। छोटी सी छोटी चीजें होगी जो आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको वो है पूरी देखनी है और अच्छे से फॉलो करना है, तब जाके आप जो है इस मॉड को अपनी गेम में इंस्टॉल कर लोगे इजिली, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं इंस्टॉलेशन की और लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। तो गाइस आपको फाइल डाउनलोड करनी है GTA 5 ग्राफिक्स, ठीक है। आपको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, ठीक है। लिंक का प्रोसेस भी मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रैक्ट हेयर कर दो, पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर करेगा, तो पासवर्ड आपको हमेशा क्या डालना है, @Sephiroth, ठीक है। हमेशा यही पासवर्ड सभी मोड्स का हमारा रहता है, तो यहाँ पे स्मॉल में @Sephiroth डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, एज यू कैन सी इजी, यही पासवर्ड आपको डालना है, ओके। उसके बाद में एक्स्ट्रैक्ट हेयर कर दो, एक्स्ट्रैक्ट हेयर करने के बाद में टाइम लेगा क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ये 2 GB का फोल्डर हो जाएगा, तो मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद में आपको फोल्डर मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ा दी थी इंस्टॉलेशन की, इसलिए ये जल्दी हो गया, आपका टाइम लगाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको फोल्डर दिख जाएगा यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे कॉपी या कट जो करना है या कर लो, मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कॉपी अगर आप करोगे तो आपका स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 2 GB की फाइल होगी, कट ही कर लो, अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कट ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद में डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डेटा उसमें जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर देना, यहाँ पे जो आपकी पुरानी फाइल रहेगी उसको यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। और ये जो नई फाइल आपने अभी पेस्ट करी है वो उसको पेस्ट कर देना, और जो पुरानी फाइल पड़ी होगी ना उसको वहाँ से हटा देना, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ वहाँ से हटा देना और ये नई फाइल एकदम फ्रेश फाइल पेस्ट करना, टाइम लगाएगा मूव होने में क्योंकि फाइल बड़ी है, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर पेस्ट, यहाँ पे आपको फोल्डर को फाइंड करना है com.rockstargame.gta का। उसके बाद में आपको फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपको फाइल्स में जाना है, TEXDB में जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे GTA 3 का जो फोल्डर दिख रहा है GTA 3, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है तीनों फाइल के जो है नेम चेंज करना है। यहाँ पे जो रीनेम लिखा आ रहा है, रीनेम की जगह आपको अपना GPU का नेम लिखना है। यहाँ पे आपको किस किस के GPU के क्या क्या नेम लिखना है, आपको यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको GTA INT का भी यहाँ पे नेम चेंज करना है, फिर आपको TXT का भी नेम चेंज करना है, ठीक है। अच्छे से देख लेना, ठीक है। तीन फोल्डर को आपको नेम चेंज करने हैं, GTA 3, GTA INT और TXT, ठीक है। तो पहले मैं GTA 3 का नेम चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पूरा देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे सपोज करो जैसे कि GTA 3 आपको दिख रहा है, GTA 3 रीनेम। उसके बाद में यहाँ पे मैं इस पर होल्ड करके यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करता हूँ। रीनेम पे क्लिक करने के बाद में जो रीनेम है, रीनेम की जो लाइन है ना, ओनली रीनेम की लाइन, और आपको किसी को नहीं चढ़ना है, इसको आपको हटा देना, ठीक है। डॉट रहने देना, स्पेस कुछ नहीं देना, जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पे सपोज करो मेरा पावर VR है, तो मैं यहाँ पे PVR लिख देता हूँ, ठीक है। PVR मैंने यहाँ पे लिख दिया है, PVR लिखने के बाद ओके। GTA 3 जो सेकंड वाला फाइल है उसको भी आपको यहाँ पे नेम चेंज कर देना है, यहाँ पे भी मैं अपना PVR लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपना PVR लिख देता हूँ गाइज, ओके। एज यू कैन सी रीनेम की जगह मैंने PVR, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कोई स्पेस नहीं देना है, जैसा है वैसे रहने देना, खाली अपना जो है रीनेम की जगह आपको PVR लिख देना है। GTA INT में भी आपको अपना नेम चेंज कर देना है, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया है। उसके बाद में आपको TXT का भी नेम चेंज करना है, ठीक है। तो TXT फोल्डर को ओपन करो एंड यहाँ पे रीनेम कर दो। एंड गाइज दैट्स इट, एज यू कैन सी यहाँ पे हमने नेम चेंज कर दिया है GTA 3 का, GTA.INT का, और उसके बाद में TXT का। बस दैट्स इट, हो गया। इन तीनों का ही आपको नेम चेंज करना है और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ पे देख ली है। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। एंड आपका जो मोड है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और एक सेकेंड भाई रुको, इतनी जल्दी मत करो, मोड आपका हो चुका है। आप जैसे जाके अपना गेम चालू करोगे हो जाएगा, आपका गेम चल जाएगा। बट उससे पहले यार
सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जाना, ओनली एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है तो वो दबा के जरूर जाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो के लिए। ठीक है भाइयों, अब आगे भी और अच्छे अच्छे मोड्स आने वाले हैं, छोटे छोटे मोड्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे भाइयों जो है, आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, क्योंकि ये मोड को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक मैंने नहीं बोला था सब्सक्राइब करने को, बट अब ये पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में और मोड को क्रिएट करने में। ठीक है, ऑल्सो मैं बता दूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और अभी तक की सबसे बड़ी वीडियो भी है मेरी, लाइक अभी आज तक मैंने इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, सो दैट्स व्हाई कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। एंड आई होप कि जो ये पूरा इंस्टॉलेशन आपको समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक और बात, मैं एक और वीडियो लाने का सोच रहा हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस मोड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से कैरेक्टर को चेंज किया जाता है, किस तरीके से आप यहाँ पे व्हीकल ला सकते हो GTA 5 की, एंड किस तरीके से जो है आप अपना गन का प्रीव्यू कर सकते हो, आप मेन्यू को ऑन कर सकते हो, आप फोन को ऑन कर सकते हो, गन चेंज कर सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ आप समझ जाओगे इंस्टॉल करने के बाद में, लेकिन कुछ लोगों को भी कुछ ना कुछ इशू होता है ना, समझ रहे हो ना, तो इसलिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपका इसके बारे में क्या कहना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना आपका क्या कहना है इसके बारे में। अगर वीडियो चाहते हो तो मैं जरूर बना दूंगा और जल्दी लाऊंगा वीडियो, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, कमेंट में रिस्पांस देना मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो यहां तक देखने के लिए, एंड अब आप जा सकते हो अपने गेम के अंदर, आप जाके एंजॉय कर सकते हो अपने मोड पैक को, फुली बढ़िया मोड पैक है, मिशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो, वीडियो में एंड करता हूँ, और ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, काफ़ी बड़ी हो गई है, सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक जरूर करना यार, मोटिवेशन जरूर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। Defeated by the dreams and the memories we've made.